एक शॉर्ट स्टोरी आप लोग को बताता हूँ, हम अपने गुरु जी से सुने हुए हैं। सर्जरी के हमारे गुरु जी खुद ही डबल FRCS हैं, तो वो हम लोग को हरदम बताते हैं। व्हेन्स वी आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन तो हरदम बताते थे कि भाई गांव के दो ठो सज्जन लोग थे, ये लोग अपना जा रहे थे शहर में, और उस वक्त बहुत साधन नहीं था, बहुत पहले की कहानी है या मे बी हाइपोथेटिकल आई डोंट नो। तो दोनों जो हुआ कि आप पैदल ही जाना था, लौर लेके आओ, तो देखिए गांव में डंडा रहता है, उसी में पोटली में अपना कुछ रखा नहीं कर, तो चलते 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 शाम हो गई, बल्कि रात होने वाली थी, तो सोचा लो कि भाई कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। तो दोनों 10-10 रुपया अपना देकर कुछ आटा खरीद लिया बगल से कहीं दुकान उकान से, और सड़क के किनारे ही बैठ के और चूल्हा ईटा उटा का कुछ लगा कर, लकड़ी पुड़ी कहीं जोड़ के आप, और कुछ कहीं बर्तन वर्तन मिला उसको, मेरे उसे वो रोटियां सेका वो लोग, तो 11 को रोटी बन गई। अब ये कहे क्या कि एक एक सज्जन जो थे वो कहें कि हम 6 को खाएंगे, दूसरा कहा कि हम भी 6 को खाएंगे। अब दोनों में झंझट होने लगी, अभी झंझट हो तो उपाय क्या है भाई, अब कोई मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं हम आधा सादा आधा सुधा नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो लेंगे तो हम 6 को खाएंगे। तो दोनों में असल में फिर एक तरह का सहमति हुई कि भाई ऐसा करें, हम लोग थोड़ा देर आराम कर लें, आज हफ्ती तो आ ही जाएगी, थकावट है नींद आएगी, या जो बढ़िया सपना जो देखाएगा वो 6 को खाएगा और दूसरा जो है 5 खाएगा। तो एक जो दोनों सो गए अपना आराम से, अपना किनारे में अपना कहीं छाँव में अपना, और उस वक्त एक आध घंटे के बाद हड़बड़ा कर एक उठा, कहा बहुत अच्छा हमने देख लेनी सपना, इतना बढ़िया बा कि अरे मत पूछा, बेकरा सुपर सपना नहीं क्या हो सकता। कहा भाई कहा हो गई, हम लोग भोजपुर अधिक बिलोंग करते हैं, अरे बक्सर आजकल है, पहले शाहबाद था, इसीलिए भोजपुर में ज़्यादा बात विचार आ रही है, जा रहा मैंने आपको बता रहे हैं। तो कैसे कहा भाई भाई ऐसे, तो कह कि का देख रहा था, हम देखने के भाई एकदम स्वर्ग में पहुंच गई बानी, एकदम इंद्रासन लागल बा, मारे एक से एक मैंने खाना पकवान हर चीज़ हर जगह, उर्वशी है मेनका हई हौ सब बहुत है, नर्तकी लोग है, बहुत हर तरह का इंतजाम है, इतने लोग लगे हुए हैं खातिर में दिन रात, और जैसे होता है उस तरह से एकदम सब एक से एक अच्छा अच्छा चीज़ खाने को मिल रहा है, आनंद करने का, तो ऐसे दो हमरा के 6 को खाए का, मैंने हमको दो। तो दूसर का कहता है कि हम तो 11 रोटी खा गए, ले भलैया अब यही तो माथा ठोक ले कर कैसे तू खा लेला, तो हम क्या करें कर जो खा लिया था रोटी, वो कहा कि भाई अब चाला का चतुर ज़्यादा था वो, तो कहा कि हम क्या करें, हम तो सुतनी है नींद में, हमारा बुझाई लगे हनुमान जी, और हनुमान जी आके हमारे साक्षात हमारे छाती पर बैठ गए, आ गदा आपने मेरा मुड़ी के ऊपर रख लिया, कहने के अरे सरवा खेबे कि ना खेबे, थे रोटियाँ खो 11 खो, तो अब हम क्या करिए, हम तो हनुमान जी के बात मानत रहनी, हम क्या करिए, तो हम तो अपन जान बात जहान बा भाई, तो ऐसे हम उठ गए, हम जल्दी से उठे आराम से रोटी सब खा लिए। यही कहानी है दो पथिक लोगों का, तो कहना हमारा एक मैसेज है लाउड एंड क्लियर इसमें कि ठीक है अब थोड़ा सा तो गलत तो हुआ, लेकिन जिंदगी में खाली खाली सीधा अथी होने से नहीं है, चलाक और चतुर भी होना चाहिए टू ए लिमिट, नॉट इतना सेल्फिश वाला तो मैं नहीं इंडोर्स करूँगा, लेकिन बहुत मूर्ख भी दुनिया में नहीं बनना है, समझदार जरूर बनना है, यही मैसेज देना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।